एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। एक्स जो है एक्स किसके बराबर है 3 + 2√2, ठीक है, और जो एक्स है वो क्या है 0 से बड़ा है। यहां पर आपको इतनी वैल्यू दी हुई है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है 1/√x, ठीक है, आपको यह निकालना है। जब हम किसी भी संख्या को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यहां पर हम इसको अगर उल्टा करते हैं तो हमारा बात बनेगा नहीं, क्योंकि 1/√ पूछा हुआ है। अगर हम इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 1/x = 1/3 + 2√2 हो जाएगा। इस केस में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं इनका, ठीक है, रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नमस्ते बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम, मैं धनपाल देथलिया और आपका एक बार फिर से स्वागत है मैजिक मैथ्स के इस छोटे सेशन में जिसका नाम है 40 सीरीज। 40 यानी कि डेली डोज बाय धनपाल देथलिया, और एक ऐसी इंपॉर्टेंट सीरीज जिसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डोज आपके लिए डेली लेके आता हूं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में पहले पूछे गए हैं और इनके कॉन्सेप्ट पे बार बार क्वेश्चन बनते हैं, तो उन ऐसे क्वेश्चन को हम PYQ बोलते हैं, ठीक है। अगर आज के सेशन की हम बात करें तो अलजेब्रा टॉपिक से आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि एसएससी सीजीएल में 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसकी ट्रिक है, तो अलजेब्रा में कोई ट्रिक नहीं होती, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, लेकिन हम कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी बहुत हम ट्रिक भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं ताकि हम इसको सॉल्व कर पाए। बस कुछ फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए इसके इस केस में, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करके रखिए ताकि ऐसे हर इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके लिए लेके आता हूं डेली दोपहर 12 बजे, वो आप उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस न करें। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, कि इफ एक्स इज इक्वल टू 3 + 2√2 और एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से ज्यादा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/√x, ठीक है। तो देखो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, कि क्वेश्चन क्या है, कि x जो है x किसके बराबर है 3 + 2√2, ठीक है, और जो x है वो क्या है 0 से बड़ा है। यहां पर आपको इतनी वैल्यू दी हुई है, अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है 1/√x, ठीक है, आपको यह निकालना है। तो देखो यहां पर क्या होता है, जब हम किसी भी संख्या को रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, तो उसका क्या होता है, जब किसी संख्या को हम रेसिप्रोकल करते हैं, यानी कि अगर हम रेसिप्रोकल की बात करें, जैसे ये हमने 5 लिखा है, तो अगर इस 5 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/5 हो जाएगा, यानी कि उस संख्या को जस्ट उल्टा करना, उसका व्युत्क्रम कर देना, ठीक है। तो यहां पर हम इसको अगर उल्टा करते हैं तो हमारा बात बनेगा नहीं, क्योंकि 1/√ पूछा हुआ है। अगर हम इसको व्युत्क्रम करेंगे तो ये हमको क्या मिलेगा, 1/x = 1/3 + 2√2 हो जाएगा, लेकिन उससे हमारा काम बनेगा नहीं, लेकिन हमको वो फिर भी करना पड़ेगा। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करेंगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि इसको रेसिप्रोकल भी करना है और इसका जो है ये भी करना है, अंडर रूट में है ये, तो इस केस में हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं इनका, ठीक है, रैशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण, ठीक है। तो परिमेयकरण हम इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो जैसे ये दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो हम इनका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ही करेंगे, वो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो देखो x का रेसिप्रोकल होगा 1/x, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3 + 2√2, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब इसका जो रैशनलाइजेशन करते हैं तो वो कैसे करते हैं, कि जो भी संख्या डिनोमिनेटर में होती है, ठीक है, यानी कि अंश बटे हर में जो होती है, जो हर में नीचे वाली जो संख्या होती है उसका सेम हमको उसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन उसकी साइन चेंज करनी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 3 - 2√2, ठीक है, और नीचे भी 3 - 2√2 में ये मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब देखो, अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो यहां पर तो 1/x चल रहा है, और यहां पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका रहेगा 3 - 2√2, ठीक है, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, 3, यहां पर 3 है, 3 - √2, तो देखो हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। और अगर ये देखने जाए हम तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको a माइनस बी और a + b, ठीक है।
ये है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो अगर हम तीन को माने a, ठीक है, यहां पर हम तीन को मानते हैं a, तीन को मानते हैं a और इसको मानते हैं हम b, ठीक है, ये हमारा a और ये b, तो ये क्या है a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। तो इस ये किसका होता है, जो a माइनस बी a प्लस बी किसका, ये फॉर्मूले के हिसाब से किसका होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए ए माइनस बी, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है, क्योंकि ये ए प्लस बी ए माइनस बी की तरह है यहां पर, तो ठीक है। अगर हम तीन को ए मानते हैं तो हम यहां लिख सकते हैं कि थ्री का स्क्वायर माइनस टू रूट टू का स्क्वायर, ठीक है, यहां पर ये आ जाएगा, जैसे कि a माइनस बी ए प्लस बी की जगह पे हमने लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख दिया, इन दोनों की जगह ये आ गया, ठीक है। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहां ऊपर तो दिखेगा थ्री माइनस रूट टू, टू रूट टू चल रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा, और जो नीचे वाला है आपका आप इसको सोल्व कर दो, तो जब तीन का हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, नाइन मिलेगा, ठीक है। और जब हम इसका सोल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो जब हम इसका इसको करेंगे तो एट मिलेगा, ठीक है। अब हमको एट कैसे मिलेगा, देखो मैं बताता हूं आपको, जैसे टू रूट टू इज इक्वल टू, आप इसको एट बोल सकते हो, कैसे एट बोल सकते हो, देखो ये टू है तो टू का स्क्वायर करेंगे तो टू इंटू टू, और जब रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ एक ही रह जाएगा टू, ठीक है, यानी कि दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको बोल सकते हैं कि एट, ठीक है, ये एट हो गया, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू रूट टू, और अपन में क्या आ जाएगा, नाइन में से एट जाएगा तो वन बचेगा, और वन का कोई मतलब नहीं होता है जब वन डिनोमिनेटर में होता है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि टू अपॉन रूट टू, ठीक है। तो हमको वन अपॉन एक्स की वैल्यू मिली थ्री माइनस टू अपॉन टू रूट टू, ठीक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जब इस पूरी संख्या को हम अंडर रूट में लेंगे, तो हम इसको अगर वन को भी अंडर रूट में लेते हैं, एक्स को भी अंडर रूट में लेते हैं, क्योंकि हमको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि हमको स्क्वायर में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, अंडर रूट में है ये, स्क्वायर रूट के नीचे है एक्स, ठीक है, तो ये भी अपना स्क्वायर रूट में हो जाएगा, यानी कि थ्री माइनस टू रूट टू। अब देखो यहां कंडीशन क्या बनी है, रूट के अंदर रूट आ रहा है, ठीक है, रूट के अंदर रूट आ रहा है, तो जब ये रूट के अंदर रूट आता है तो आपको एक यहां पर ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है हमको, जो कि इसका इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। तो अगर हम इसको यहां पर करें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक फॉर्मूला है जो कि यहां पर क्या है कि ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी है, तो हम इस पे यहां पर कौन सा फॉर्मूला ये कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अगर हम इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई करेंगे तो इससे हमारा काम बन जाएगा, बस यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यहां पर आएगा, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कंडीशन बनते हुए ये आएगा, और अगर हम इसकी बात करें तो ये ए माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसने बने फॉर्मूले को बोल सकते हैं a माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा यहां पर a है और ये इसको हम मान सकते हैं b, ठीक है। अगर ये हमारा a है, ये b है और इसको हम मानेंगे, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, हम इसको बोल सकते हैं कि वन अपॉन अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इसको यहां पर अगर इसके हिसाब से हम रखें, ये इसके हिसाब से हम रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि थ्री स्क्वायर प्लस सॉरी टू अंडर रूट स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहां पर रूट टू स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, वन होल स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका रूट टू माइनस वन, और ये पूरा क्या आ जाएगा, ये पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर आएगा पूरा होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो ये रूट है, अंडर रूट है और ये रूट है, ये टू है, ये इसे कट जाएगा, ठीक है। तो जब ये इसे कट जाएगा तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां आपको मिलेगा वन अपॉन अंडर रूट एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, रूट टू माइनस वन, ठीक है। तो ये जो है रूट टू आपका फाइनल यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमको सिर्फ रेसिप्रोकल करना है, और इसका रेसिप्रोकल करके इसको जो इसका रैशनलाइजेशन करना है, यानी कि परिमेयकरण। तो परिमेयकरण ये जो हमने स्टेप लिया यहां पर किया था, इसी को बोलते हैं हम रैशनलाइजेशन, यानी परिमेयकरण, ठीक है। और जो उल्टा करते हैं उसको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल, यानी कि व्युत्क्रम, ठीक है।
तो इस तरह से हम इस टाइप के अलजेब्रा के जो क्वेश्चन आएंगे, जो अलजेब्रा का क्वेश्चन है एसएससी और रेलवे में बहुत पूछे जाते हैं, बैंकिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बैंकिंग में इसके क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। तो अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको एसएससी रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ कल वापिस, तब तक के लिए बाय।